Welcome back, children. We are continuing chapter number 9, heredity and evolution. तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है हम शुरू करेंगे पेज नंबर 152 से, ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. व्हेन वी ट्राई टू फॉलो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स एज कॉमन. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वुड बी सिमिलर बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. एज एन एग्जाम्पल, consider the fact that mammals have four limbs, as do birds, reptiles and amphibians. The basic structure of the limbs is similar, though it has been modified to perform different functions in various vertebrae. Such a homologous characteristics helps to identify an evolutionary relationship between apparently different species. अब हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था कि किस प्रकार से जो characteristics जो हैं उसके आधार पे अगर हम जीवों को बांट दें, ऑर्गेनिजम्स को, सब ऑर्गेनिजम्स को बांटें, तो अलग अलग, अभी हमें प्रेजेंट टाइम में देखो तो बहुत सारे उसके ग्रुप्स मिल जाएंगे, लेकिन जब उन ग्रुप्स के पीछे 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 हम जाते जाएंगे तो एट द एंड वी विल फाइंड कि वो सब चीजें एक ही से शुरू हुई. तो वैसे ही यहाँ पर ट्रेस कैसे करें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, कि भाई इन दो स्पीशीज के बीच में रिलेशनशिप है या इन 10 स्पीशीज के बीच में रिलेशनशिप है, ये कैसे पता लगे. तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई सबसे पहले तो ये बात है कि लिम्स की बात करें हम, हाथ या पैर की बात करें, ठीक है. अब आपको पता है भी हर एक प्राणी है जिसके हाथ पैर तो होते हैं, कोई ऐसा प्राणी है जिसके हाथ पैर नहीं होते. सांप है, सांप के भी नहीं होते हैं, लेकिन वो रेंग कर चलते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पर जैसे कि 9.8 में जो फिगर दिया गया, इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रॉग का लिम्ब दिया गया कैसा होता है, उसके बाद लिजार्ड का दिया है, उसके बाद आप बर्ड का देख सकते हैं और फिर ह्यूमन का देख सकते हैं. तो इन सबको देखने के बाद हमें एक चीज़ तो पता लग रही है कि भाई ऑलमोस्ट सबका जो लुकआउट है सेम है, सिमिलर जैसा दिखाई दे रहा है, सब एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे. अगर मैं ऐसे ये वर्ड्स हटा दूं, फ्रॉग, लिजार्ड, ह्यूमन और बर्ड, तो मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी हद तक देखेंगे कि अगर हम बर्ड को छोड़ दें तो बाकी तो लगभग सिमिलर से ही दिखाई दे रहे. अगर हम बर्ड को छोड़ दें तो फ्रॉग, लिजार्ड और ह्यूमन का तो लगभग सिमिलर सा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है. अगर मैं आप लोगों को लिजार्ड का जो हाथ है उसको बड़ा करके दिखाऊं, थोड़ा जूम करके, तो आपको लगेगा ह्यूमन हैंड ही है, ठीक है. वैसे अगर हम फ्रॉग वाली बात करें तो फ्रॉग वाले में थोड़ा सा हमको जजमेंट होता है भी ह्यूमन का नहीं है, ऐसा फील होगा कि भी शायद किसी का हाथ है, वो ऑपरेशन के बाद गलत उलत जुड़ गया है लेकिन है इंसान का यार, ऐसा फील होगा, ठीक है. तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि भी हर एक जो प्राणी है उसके पास हाथ है, यानी कि लिम्स है, उसके पास हाथ ले लो या पैर ले लो, ठीक है. और यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आ गया है, तो वो हाथ ही सबका, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव आ गया. बदलाव क्यों आया, क्योंकि उनकी पर्टिकुलर जरूरतों के हिसाब से वो चेंज आया है. इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन. तो ऐसे कैरेक्टर्स, अब हमने चारों में समानता ये देखी कि चारों के पास लिम्स हैं, है ना, चारों के पास, तो ये उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, सबके पास लिम्स हैं, सबके पास हाथ है, कैरेक्टरिस्टिक की कॉमन हो गया, सबका हाथ है, लेकिन अलग अलग तरह का हाथ वो क्यों है, क्योंकि भाई उसको ऐसे की जरूरत है इसलिए वो ऐसा हुआ. अब हम छिपकली की बात करें, अब छिपकली के हमारे जैसे बड़े बड़े हाथ होते तो कैसे चलती दीवार पे, वजन बढ़ जाता उसका. पक्षियों के हाथ हमारे जैसे बड़े बड़े होते तो उड़ते कैसे, वो वजन बढ़ जाता. तो अकॉर्डिंग टू द नीड, सर्वाइवल के लिए जो उनको जरूरी है चीज, उसके हिसाब से उनके बॉडी के पार्ट जो है वो चेंज हो चुके हैं, वो चेंज हो चुके हैं उसके हिसाब से. तो इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन. और धीरे धीरे ये बदलाव और बढ़ते जाते हैं और जो गैप था पहले और लास्ट वाले में वो हमको ज्यादा दिखने लगता है. पहले से दूसरा बना तो ज्यादा गैप नहीं होगा, दूसरे से तीसरा चेंज हुआ नहीं होगा ज्यादा डिफरेंस, चौथा, धीरे धीरे जब वो बढ़ जाता है तब उसमें काफी ज्यादा बदलाव आ जाता है. अब हम छिपकली को देखें और एक क्रोकोडाइल को देखें तो सिमिलर है दोनों, साइज में दोनों को बहुत फर्क है, तो दोनों सिमिलर एकदम. अगर छिपकली को अगर थोड़ा सा हम मतलब अगर किसी तरीके से देखें तो हमें लगभग वो बड़ा करके देखें, ऐसा उसको प्रटेंड कराएंगे बहुत बड़ी है तो वो आपको लगेगी जैसे क्रोकोडाइल है, और क्रोकोडाइल को छोटा करके देखो दूर से ऐसा छिपकली है, ठीक है. तो दोनों के साइज में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब चेंजेस आते हैं तो धीरे धीरे उनके जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स कॉमन ही है, होमोलोगस यानी कि सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मतलब बहुत लंबे समय के बाद उसमें इतने ज्यादा बदलाव हो गए हैं कि वो देखने में काफी अलग अलग दिखाई देते हैं, बाकी है वो सिमिलर. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भी एक कैरेक्टर था
वो सब में है सिमिलर, उसी को हम सिमिलैरिटी बोलेंगे सब। हाउएवर ऑल सिमिलैरिटीज सिंपली इन ऑर्गन शेप आर नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। अब यहां पर हमने देखा कि भी एंसेस्टर इनके सबके एक ही थे, यानी कि जो वो कॉमन कैरेक्टर मिला वो हमें एक ही बंदे से मिला, यानी कि जो मेरे को हाथ मिले वो इस बंदे से मिले, ठीक है। यानी कि हमारा, जैसे हम बात करते हैं कि हमारा मेन, हमारे जो पूर्वज है वो मंकी है, एप को मानते ना, तो एप से हमको ये बॉडी साइज मिला, ठीक है, उससे हमको हाथ पैर मिले। तो उसके अलावा देखिए तो हर एक प्राणी के अंदर हाथ पैर तो है ही सबके अंदर, ठीक है। तो कॉमन, हमारा एंसेस्टर कॉमन है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम पीछे 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 जाते जाएंगे तो एंसेस्टर मतलब होता है हमारा पूर्वज, जिसके हमको ये चीजें मिली है, जिससे वो सबका कॉमन मिलेगा। लेकिन हर जगह पर ये जरूरी नहीं है कि हमारा एंसेस्टर कॉमन हो, ऑर्गन शेप के हिसाब से बोल रहा हूँ, सिर्फ ऑर्गन शेप के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऑर्गन के शेप के आधार पर। What would we think about the wings of birds and bats? For example, birds and bats have wings, both but squirrels and lizards don't. So are birds and bats more closely related to each other than to squirrels or lizards? अब हमने एक example लिया जैसे कि birds और bat, bird मतलब पक्षी, कोई भी पक्षी ले लो, bat मतलब चमगादड़, दोनों के पंख होते हैं, ठीक है, दोनों के पंख होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के पंख हैं तो वो दोनों एक ही स्पीशीज के, यानी कि बहुत क्लोज हुए एक दूसरे के, समझेंगे ना, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि उसके भी पंख हैं, बैट के भी पंख हैं, तो दोनों क्लोजली रिलेटेड हुए। वैसे हम बोले लिजार्ड और स्क्विरल, लिजार्ड की भी पूंछ होती है, चार पैर होते हैं और वो कहीं भी ऊपर नीचे चढ़ सकती है, दीवार पे, पेड़ पे, छिपकली भी ऐसी, तो लिजार्ड और स्क्विरल दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार होने चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए, जैसा हमने अभी तक पढ़ा उस हिसाब से। Before we jump to this conclusion, let us look at the wings of birds and bats more closely. अब इसके अंदर कोई हम तर्क निकालें, यानी कि कोई इसका उत्तर ढूंढे पहले, तो उससे पहले हमारे पास कुछ चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहले हमें पिक्चर दी गई है कि इन दोनों का देखो, ठीक है, दोनों की पिक्चर हमारे सामने है। अब क्या देख सकते हैं यहाँ पर, बर्ड का जो हाथ है यानी कि विंग है वो दिख रहा है आपको, और दूसरे बैट का भी दिख रहा है ना। When we do that, we find that the wings of bats are skin folds stretched mainly between elongated fingers, but the wings of birds are feathery, covering all along the arm. The designs of the two wings, their structure and component are thus very different. They look similar because they have a common use for flying, but their origin looks But their origins are not common. This makes them analogous characteristics rather than homologous characteristics. It would now be interesting to think about whether birds' arms and bat arms should be considered homologous or analogous. अब यहाँ पर हमने देखा कि वैसे हमने conclude करने जाएं तो birds जो हैं उसके भी पंख होते हैं और bat के भी पंख होते हैं, तो दोनों relationship में होने चाहिए, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के काफी करीबी रिश्तेदार माने जाने चाहिए। लेकिन जब हम इस पिक्चर को देखते हैं तो इस पिक्चर में हमने क्या देखा, इस पिक्चर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो बर्ड है, बर्ड का जो आप देख रहे हो, बर्ड का जो ये पार्ट है उसके ऊपर, मतलब हड्डी उसकी जो है, बोन्स, वो तो थोड़ी सी जगह पर ही है, और बाकी आप वो पंख देखो वहां पर हाईलाइट किया हुआ, ये पूरा पंख है, ध्यान से देखोगे ना उसको, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखो तो लंबा पूरा पंख भी ड्रॉ किया गया है, लाइट में थोड़ा हल्का सा दिखाया गया ना, तो ये बर्ड का विंग है। लेकिन विंग क्या है, वो फैदरी कवरिंग है, वो सिर्फ पंख, फैदर होते हैं ना पतले पतले पंख से, उससे कवर किया गया, हड्डी तो सिर्फ थोड़ी सी जगह पर है, बाकी तो सारा फैदर है ना। वही हम दूसरा देखते हैं, किसको, बैट को देखते हैं, तो बैट का आप देख रहे हो ये जो उसकी हड्डियां हैं, समझिए फिंगर्स जैसे हमारी, ऐसा नहीं लग रहा पांच हमारी उंगलियां हैं, बैट को देखो तो बैट के अंदर हम देख रहे हैं तो हमारी पांच उंगलियां दिखाई दे रही हैं, और उन उंगलियों के बीच में आपको जो पार्ट्स दिख रहे हैं दैट इज स्किन फोल्ड्स, ऐसा लग रहा है वो स्किन है, क्या है वो, स्किन। आपने देखा होगा ना बैट को, बैट के ऊपर फेदर्स नहीं होते, पंख नहीं होते, वो स्किन है उनकी, ठीक है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, उसका हाथ बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है विंग उसका, और इसका विंग बिल्कुल अलग है, उसके विंग के अंदर स्किन है और इसके विंग के अंदर फेदर्स है, तो ये ऑर्गन जो होमोलोगस हुए, होमोलोगस मतलब सेम सेम हुए, सिमिलर हुए नहीं।
ये ऑर्गन सिमिलर नहीं है, दीज आर एनालॉगस। क्या बोलेंगे इनको? एनालॉगस। लेकिन ये दोनों काम एक ही करते हैं। इससे बैट्स क्या करते हैं? उड़ते हैं। बर्ड्स क्या करते हैं? वो भी उड़ते हैं। यानी कि इनका काम सेम है, सिमिलर, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनकी बनावट अलग है, है कि नहीं अलग? तो हम कह सकते हैं कि ये कॉमन नहीं है। ऑल दो इनका काम कॉमन है, भी दोनों काम करते हैं उड़ने का, लेकिन वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा मेल नहीं खाते। अंडरस्टूड द डिफरेंस? देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में देखते हैं आगे। सच स्टडीज ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर कैन बी डन नॉट ओनली ऑन करंट स्पीशीज बट ऑल्सो ऑन स्पीशीज दैट आर नो लॉन्गर अलाइव। हाउ डू वी नो दैट दीज एक्सटिंक्ट स्पीशीज एवर एग्जिस्टेड? वी नो दिस फ्रॉम फाइंडिंग फॉसिल्स। वट आर फॉसिल्स? Usually, when organisms die, their bodies will decompose and be lost. But every once in a while, the body or at least some parts may be in an environment that does not let it decompose completely. If a dead insect gets caught in hot mud, for example, it will not decompose quickly and the mud will eventually harden and retain the impression of the body parts of the insect. All such preserved traces of living organisms are called fossils. अब हमने जो पढ़ाई की करंट स्पीशीज जो भी हमारे पास है उनके बारे में तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर हम उन जीवों के बारे में पढ़ें जो अब इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हमें थोड़ी और जानकारी मिल सकती है इनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अब भाई जो इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करते उनकी स्टडी कैसे करोगे? जो धरती पे है ही नहीं, अब डायनासोर धरती पे नहीं है, कहाँ है? स्वर्ग में है कि नर्क में? वहां जाकर स्टडी करोगे? तो उनकी स्टडी की जाती है फॉसिल्स के द्वारा। फॉसिल्स क्या होते हैं? जब कोई भी प्राणी मर जाता है तो उसकी बॉडी जो है डेड बॉडी वो पृथ्वी में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, समझ लो जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, ठीक है? आपने देखा होगा मम्मीज के बारे में सुना होगा, मम्मीज मतलब मम्मीज एंड पापाज नहीं, पिरामिड वाली मम्मीज, इजिप्ट वाली मम्मीज के बारे में। तो जो मम्मीज हैं वो डिकम्पोज पूरे तरीके से नहीं, आज भी हैं, हजारों साल पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी है ना, वो डिकम्पोज नहीं। तो सेम वे एनवायरमेंट किस प्रकार का है उसके आधार, उसके ऊपर डिपेंड करता है उस बॉडी का पूरी तरह से डिकम्पोज होना है ना होना। अब कोई भी बॉडी को जब कोई जानवर है, इंसेक्ट है, वो मर गया है तो किस तरह के एनवायरमेंट में, किस तरह की जगह पर वो है, उसका डेड बॉडी है, वो डिपेंड करेगा उस पर कि वो पूरी तरीके से डिकम्पोज होगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया गया है कोई भी एक इंसेक्ट है, सपोज एक इंसेक्ट है वो मड मिट्टी के अंदर फंस गया, कीचड़ के अंदर फंस गया और वो कीचड़ गर्म है थोड़ा, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसके अंदर वो पूरे तरीके से डिकम्पोज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? वो ऑल तो मर जाएगा लेकिन उसकी बॉडी जो है वो मिट्टी जो है उसकी बॉडी के साथ मिलकर ऐसे हार्ड हो जाएगी और उसके बॉडी का शेप ले लेगी, उसके ऑर्गन्स का शेप ले लेगी, उसके बॉडी पार्ट्स का शेप ले लेगी। अगर उसको थोड़ा डिफरेंट एटमोसफेयर मिलता तो शायद वो बिल्कुल डिकम्पोज हो, लेकिन यहां पर वो पूरे तरीके से डिकम्पोज नहीं हुआ। तो अलग अलग एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से वो जो है प्राणी वो पूरे तरीके से डिकम्पोज नहीं होते हैं, और ये जो ट्रेसेस होते हैं उनके, उनकी बॉडी पार्ट्स बचे रह जाते हैं, ऑल दो वो मर चुके हैं लेकिन उनके बॉडी पार्ट्स बच जाते हैं। इन्हीं बॉडी पार्ट्स को हम बोलते हैं फॉसिल्स। क्या कहते हैं? फॉसिल्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना चाहेंगे, पिक्चर्स दी गई नीचे, फॉसिल टी ट्रंक, अब ये जो पेड़ की छाल है उसमें से भी फॉसिल मिलता है। देन ये इनवर्टिब्रा, इसका भी ये फॉसिल है। फिर फॉसिल इनवर्टिब्रा, यहाँ पर आप देख स्नेल जैसा कुछ दिख रहा है आपको, ये भी फॉसिल है। फिर यहाँ पर फिश देख रहे हो आप, ये भी फॉसिल है, देख रहे हो ना पृथ्वी नीचे, ये देख रहे हो फॉसिल, डायनासोर स्कल, डायनासोर की स्कल का फॉसिल है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग प्राणियों की फॉसिल्स मिल सकते हैं।
हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल्स आर? देयर आर टू कंपोनेंट्स टू दिस एस्टिमेशन. वन इज रिलेटिव. इफ यू डिग इनटू द अर्थ एंड स्टार्ट फाइंडिंग फॉसिल्स, इट इज रीजनेबल टू सपोज दैट द फॉसिल्स वी फाइंड क्लोजर टू द सर्फेस आर मोर रिसेंट देन द फॉसिल्स वी फाइंड इन डीपर लेयर्स. द सेकेंड वे ऑफ डेटिंग फॉसिल्स बाय डिटेक्टिंग द रेशियोज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटीरियल. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ दिस मैटर मेथड वर्क्स. अब फॉसिल जो है वो कब का है? अब एक कीड़े का फॉसिल मिला आपको, ठीक है, अब ये कब का है? अब आप बोलोगे भाई ये बहुत ही पुराना. कैसे पुराना है? हो सकता है वो 100 साल पहले मरा हो सकता है 200 साल पहले मरा हो सकता है 50 साल पहले मरा हो. तो उसकी डेट फाइंड करना, यानी कि उसकी टाइम की वो कब का है, वो काल फाइंड करना, वो समय फाइंड करना, उसके दो तरीके होते हैं. पहला होता है एस्टिमेशन मेथड, एस्टिमेट लगाना कि जैसे जो मिट्टी के ऊपर ऊपर मिलेगा वो समझो अभी का, और जो ज्यादा डीप होगा वो बहुत पुराना है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर मिट्टी तो जमती रहती है ना. अगर बहुत पुराना होगा तो बहुत ढगला बन चुका होगा मिट्टी का, तो वो नीचे मिलेगा, और अगर वो ऊपर ही है समझ लो कि वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं. दूसरा तरीका होता है उसको एग्जैक्टली फाइंड करना कि वो कब का, ये तो एस्टिमेट लगाया हमने भी कब का है, लेकिन दूसरे तरीके में क्या होता है, बाय कार्बन डेटिंग. क्या बोला जाता है इस मेथड को? कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग में क्या किया जाता है, उसके अंदर जो आइसोटॉप्स होते हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है, रेशियोज को. उसका एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे दिया गया, कैसे फाइंड आउट करना वो देख लेते हैं, वो रीड कर लेते हैं. हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर? देखो, लेट अस स्टार्ट 100 मिलियन ईयर्स अगो. 100 मिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं. सम इनवर्टिब्रेट्स आर द सी बेड, ऑन द सी बेड डाई. ये आप देख रहे हो ना, पहली पिक्चर देख रहे हो यहाँ पर. तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, जो कि ऐसे प्राणी हैं, वो सी बेड पर मर जाते हैं एंड बरीड इन द सैंड, और वो मिट्टी में दब जाते हैं. मोर सैंड एक्यूमुलेट्स एंड सैंडस्टोन फॉर्म्स अंडर प्रेशर. अब इसके ऊपर जब और मिट्टी जमती जाएगी तो इस क्या बन जाएगा, सैंडस्टोन बन जाएगा, सैंडस्टोन पत्थर बन जाएगा प्रेशर के कारण, क्योंकि समंदर के अंदर तो वैसे भी प्रेशर होता है ना बहुत नीचे. मिलियंस ऑफ इयर्स लेटर डायनासोर्स लिविंग इन द एरिया डाई एंड देयर बॉडीज टू आर बरीड इन मड. दिस मड इज ऑल्सो कंप्रेस्ड इन टू रॉक अबव द रॉक कंटेनिंग द अर्लियर इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स. अब कई सालों के बाद, मिलियंस ईयर्स के बाद, उस जगह पर डायनासोर थे. अब वो डायनासोर भी जब मरे तो वो भी नीचे जो हमने देखा ना सी बेड पे जो प्राणी मरे थे उनके ऊपर इनकी बॉडीज आ गई और वो मिट्टी से दब गई, वो मिट्टी से दब गई. उसके बाद अगेन मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर द बॉडीज ऑफ फोर लाइक क्रिएचर्स डाइंग इन द एरिया आर फॉसिलाइज्ड इन रॉक्स अबव दीज अर्लियर रॉक्स. अब वहां पर कुछ घोड़े थे वो मरे तो उनकी बॉडीज ये डायनासोर की हड्डियों के ऊपर आ गई. मच लेटर बाय एरोजन ऑफ वाटर फ्लो, erosion or water flow wears away some of the rock and exposes the horse like fossils. As we dig deeper we will find older and older fossils. ab kuch samay ke baad kya hua, baad aayi, barish zyada hui to upper layer mitti ki to wo chali gayi, erosion ho gaya soil ka, to kisi ko dikhai diya upar ghode ki haddiyan. phir logon ne khudai ki to ghode ki haddiyon ke niche mila dinosaur, dinosaur ki haddiyon ke niche mile wo invertebrate jo sea ऑर्गेनिज्म से, ठीक है. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सबसे हॉर्स ऊपर मिल गया, यानी कि ये रिसेंट है, डायनासोर उससे बाद में मिला यानी कि वो काफी समय पुराना है, और सी जो ऑर्गेनिज्म से वो और पुराने क्योंकि सबसे लास्ट में मिले. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज एवोल्यूशन बाय स्टेजेस. स्टेजेस के हिसाब से एवोल्यूशन कैसे होता है वो पढ़ते हैं. अ क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज इफ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स such as the eye are selected for the advantage they provide, how can they be generated by a single DNA change? Surely such complex organs will be created bit by bit over generations, but how can each intermediate change be selected for? There are a number of possible explanations even at intermediate stage, such as rudimentary eye can be useful to some extent. This might be enough to give a fitness advantage. In fact, the eye, like the wing, seems to be very popular in adaptation. Insects have them. So does an octopus.
and so do vertebrates. And the structure of the eye in each of these organisms is different, enough for them to have separate evolutionary origins. Also, a change that is useful for one property to start with can become useful later for quite a different function. Feathers, for example, can start out as providing insulation in cold weather, but later they might become useful for flight. In fact, some dinosaurs had feathers. Although they could not fly using the feathers, birds seem to have later adapted the feathers to flight. This of course means that birds are very close related to reptiles, since dinosaurs were reptiles. अब यहाँ पर बताया गया है कि कुछ आंखों की बात की जा रही है, evolutionary stages की, कि evolution मतलब कि किस प्रकार से हमारे body organs develop होने लगे. जैसे हमने देखा था कि हम एक ही प्राणी से सब चीजों की शुरुआत हुई, हमने देखा था नॉन लिविंग थिंग डेड मैटर से शुरू हुआ था सब कुछ. लेकिन फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैसे बन गए हमारे जैसे सारे बॉडी पार्ट्स, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं कॉम्प्लेक्स बहुत सारे, शेर चीता ये कोई भी जानवर, उनके पास हाथ अलग है, पैर अलग है, फ्रंट लिम बैक लिम, माउथ है, आईज है, ईयर है, सब कुछ है. बस उनके और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में ये फर्क है कि वो जमीन पे ऐसे चलते हैं, हम सीधे चलते हैं, हमारा ब्रेन उनसे ज़्यादा डेवलप है. बाकी तो ओवरऑल देखें तो जो हमारी बॉडी एक्टिविटीज है सब उनकी भी है, हमें खाना चाहिए उनको भी चाहिए, वी कैन रिप्रोड्यूस दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस. ठीक है, तो ऐसे में अलग अलग बॉडी ऑर्गन जो है कैसे जनरेट हुए, तो इसमें पहले बताया गया जैसे कि आईज की बात करें, आईज जो है अब आईज का काम क्या सिर्फ देखना ही है, वैसे तो देखने के लिए होती है आईज, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये अलग अलग तरीके से यूज होती है और अलग अलग जगहों पे होती है. फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ऑक्टोपस के देखा, ऑक्टोपस के जो हाथ होते हैं उनके ऊपर बनी होती है वो, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये अलग अलग तरीके से होती है. कोई जरूरी नहीं है कि सब में, जैसे कि हमारे यहां पर है वैसे ही नहीं, अब हमारे यहां सामने रहती है, हाथी के दोनों तरफ रहती है, वो एक तरफ इधर देख पाएगा, दूसरी तरफ दोनों तरफ देख पाएगा. ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे प्राणियों के पास जाओगे अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको पता लगे बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनकी आंखें जो हैं मतलब उनका रोल ही अलग रहता है, रोल ही उसका अलग रहता है. और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चर जो है आंखों का वो बिल्कुल अलग होता है. अलग होने का मतलब ये कि उनका एवोल्यूशनरी ओरिजिन है वो भी अलग है, यानी कि वो जहां से वो बने हैं वो भी अलग हो जाएगा, यानी कि आंख जो बनी है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से वो काम आती है और अलग अलग तरीके से बनी है, तो जहां से वो आंख बनी है उनकी, यानी कि वो पार्ट जहां से जनरेट हुआ है, वो एवोल्यूशन हुई है, वो भी अलग होगा, डिफरेंट जगह से बनी है. इसका एक एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, बर्ड्स ले लो, ठीक है, आंखों का जो काम है उसी को मैं बर्ड्स के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं. बर्ड्स ले लो, अब बर्ड्स जो है फेदर्स जो पंख होते हैं, पंख से पहले वो शायद हो सकता है पंख बने हो ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सके आइस एज में, जैसे कि पंख ऐसे होते हैं. अब पंख मतलब उन्होंने फोल्ड करे, पंख है क्या, हड्डी तो नहीं है ना पंख में, हड्डी थोड़ी सी है, बाकी तो फेदर है, अभी देखा हमने जो एग्जाम्पल, तो पंख को ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो अपने आप को ऐसे छुपा लेंगे तो उनको इंसुलेशन मिलेगा, यानी कि ठंड से राहत मिलेगी, गर्मी मिलेगी उनको, थोड़ी हवा नहीं लगेगी बॉडी में. ठीक है, तो शायद हो सकता है फेदर्स का पहला काम, विंग्स का पहला काम ये हो कि उनको ठंड से बचाना. लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे उनका यूज करें पक्षी उड़ने लग गए, तो फिर इसमें आप क्या बोल सकते हो कि फेदर का काम क्या था, फेदर का काम तो भाई छुपाना था, अपने आप को ठंड से बचाना था, लेकिन अब तो उड़ने लगे, तो इसको एवोल्यूशन बोलेंगे कि उनका बॉडी पार्ट वो बना किसी और चीज के लिए था, लेकिन अभी उसका यूज थोड़ा और एडवांस्ड हो गया, बढ़ गया. डायनासोर्स आपने देखा होगा जुरासिक पार्क में, जुरासिक वर्ल्ड में उड़ने वाले डायनासोर भी होते हैं, ठीक है, लेकिन डायनासोर उड़ने वाले नहीं थे, वैसे इतना भारी भरकम जानवर उड़ पाएगा, इतने भारी होते थे वो नहीं उड़ पाएंगे, लेकिन उनके फेदर्स होते थे, पंख विंग्स होते थे, तो विंग्स क्या थे, वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर था. ठीक है, मे बी जैसे हमने देखा ठंड से बचने के लिए हो सकता है ऐसा हो, यानी कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर था, लेकिन वही बर्ड्स के भी विंग्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जुड़े हुए थे, रिलेशन में होंगे शायद बर्ड्स और डायनासोर, तो शायद
इनका जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन होगा वो शायद सेम होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स, तो बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स के काफी करीबी माने जा सकते हैं, क्योंकि डायनासोर्स को हम रेप्टाइल्स मानते हैं। डायनासोर्स को क्या मानते हैं? रेप्टाइल्स मानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद वो रेप्टाइल्स के काफी करीबी हो सकते हैं। इट इज ऑल वेरी वेल टू से दैट वेरी डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर्स इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल डिजाइन। इट इज ट्रू दैट analysis of the organ structure in fossils allow us to make estimates of how far back evolutionary relationship go, but those are guesses about what happened in history. Are there any current examples of such process? The wild cabbage plant is a good example. Humans have over more than 2000 years cultivated wild cabbage as a food plant and generated different vegetables from it by selection. This is of course artificial selection rather than natural selection. So some farmers have wanted to select for very short distances between leaves and have bred the cabbage we eat. Some have wanted to select for arrested flower development and have bred broccoli, or for sterile flowers and have made the cauliflower. Some have selected for swollen part and come up with kohlrabi. Some have simply looked for slightly larger leaves and come up with a leafy vegetable called kale. Would we have thought that all these structures are descended from the same ancestor if we had not done it ourselves? अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि dissimilar looking structures, कि दो structures ऐसे हैं जो कि same नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनका पूर्वज एक ही होगा, यानी कि शुरुआत एक ही जगह से हुई होगी, लेकिन उसके जितने भी जो आगे प्रोडक्ट्स होंगे सब अलग अलग होंगे, यानी कि उनका एक भी कैरेक्टर सेम नहीं मिलेगा अलग देखने को हमको, लेकिन उनका एंसेस्टर यानी उनका पूर्वज जहां से शुरुआत हुई थी वो एक ही होगा। अब इसका एग्जांपल यहां पर इन्होंने एक सब्जी के माध्यम से दिया है, जो कि आप पिक्चर देख सकते हो 9.13, देखा आपने 9.13। ठीक है, पुराने समय में हमारे जो पूर्वज थे वो वाइल्ड कैबेज उगाते थे। क्या उगाते थे? वाइल्ड कैबेज। कैबेज आपको पता है ना, बंद गोभी, पत्ता गोभी बोलते हैं इसको, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इसको बंद गोभी कहा जाता है, कुछ लोग इसको पत्ता गोभी कहते हैं, गुजरात के अंदर इसको गोभी कहते हैं। ठीक है, और जो कॉलीफ्लावर रहती है उसको फ्लावर कहते हैं यहाँ पर, फ्लावर। हाँ, तो वाइल्ड कैबेज जो है ये सब चीज़ें उसी से बनी। अब पहले जो हमारे पूर्वज थे वो वाइल्ड कैबेज खाते थे, फिर कुछ लोगों को पत्तेदार पसंद आई ज्यादा, ज्यादा पत्ते होने चाहिए, तो उन्होंने केल बना दिया उसे, KAL स्पेलिंग दी गई। फिर कुछ लोगों को वो थोड़ा डिफरेंट वे में पसंद आई, जब वो इस कलर की होगी आप देख सकते हो ना, रेड कैबेज, तो वो रेड कैबेज बन गई। कुछ लोगों को ये कैबेज के फॉर्म में पसंद आई, जब उसके पत्ते गायब हो गए और वो सब पैक्ड थे एकदम, ये ऊपर से कवर होता था, कवर को निकाल दो अंदर से खा लो, कैबेज बोलते हैं। कुछ समय बाद उसको ब्रोकली की तरह खाने लगे, क्योंकि उनके पत्ते जो थे ना, पत्ते, वो पत्ते देखो अभी बड़े नहीं हुए, वो पत्ते धीरे धीरे बड़े होंगे तो फैल जाएंगे, लेकिन उन्होंने उनको बढ़ने नहीं दिया ज़्यादा और बचपन में उसको ले लिया, तो ये बन गई ब्रोकली। आज की सब्जी आपने देखा होगा, ब्रोकली के बारे में सुना होगा। फिर कुछ लोग इसको कॉलीफ्लावर के रूप में पसंद करने लगे, गोभी बोलते हैं इसको, फ्लावर। फिर कुछ लोग इसको कॉलरबी के रूप में भी पसंद करने लगे। तो ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पर छः पिक्चर्स देख रहे हैं, ये छः के छः वाइल्ड कैबेज के ही डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि सब एक ही प्रजाति के हैं। ये बने किससे हैं? वाइल्ड कैबेज से। लेकिन इनको देख के आपको फील होता है कि वाइल्ड कैबेज नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं ओरिजिनल वाले से, लेकिन उनका पूर्वज, उनका जो जहां से वो स्टार्ट होते हैं वो एक ही होते हैं। Another way of tracing evolutionary relationship depends on the original idea that we started with. The idea was that changes in DNA during reproduction are the basic events in evolution. If that is the case, then comparing the DNA of different species should give us a direct estimate of how much the DNA has changed during the formation of these species. This method is now extensively used to define evolutionary relationships. Ab ek aur तरीका बताया गया है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड करने का, तो उसके बारे में बताया गया इन्होंने कि एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए के अंदर जो चेंज आते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन,
वही एक बेसिक इवेंट होती है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन का मतलब क्या, अभी बदलाव जो आए थोड़े बहुत, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए चेंजेस होते हैं, मैंने जैसे पहले फर्स्ट क्लास में शायद पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हमने देखा था ना शायद कि भाई किस प्रकार से जब डीएनए कॉपी बनती है तो उसमें थोड़े बहुत तो चेंजेस आते हैं वेरिएशन। तो यहाँ पर जब डीएनए कॉपी बनेगी रिप्रोडक्शन के दौरान तो उसमें थोड़े बहुत तो चेंज आएंगे ना, और चेंज थोड़े 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 करते करते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आने वाले समय दूर तक। लेकिन वो थोड़े चेंजेस कब आएंगे, जब डीएनए में चेंज होगा। तो अगर हम डीएनए को कंपेयर कर लें अलग अलग स्पीशीज के, ये स्पीशीज ने और ये स्पीशीज ने, और दोनों के डीएनए को कंपेयर करें तो हमको पता लग जाएगा इसमें और इसमें कितना चेंज आया, ठीक है। तो हमें पता लगेगा कि इस समय डीएनए में क्या था और जब इससे ये बना तो डीएनए में कितना बदलाव आया, तो हमको पता लग जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना बदलाव आया डीएनए चेंज में। तो इस तरीके से हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को, अलग अलग स्पीशीज के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझ सकते हैं, उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? आगे हमारा टॉपिक, एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। एवोल्यूशन को हम प्रोग्रेस के साथ जुड़कर नहीं देख सकते। इन एन एक्सरसाइज ऑफ ट्रेसिंग द फैमिली ट्री ऑफ स्पीशीज वी नीड टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। फर्स्टली देर आर मल्टीपल ब्रांचेस पॉसिबल एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस, सो इट इज नॉट एज इफ वन स्पीशीज एलिमिनेटेड टू गिव राइज टू अ न्यू स्पीशीज हैज एमर्ज्ड, बट that does not necessarily mean, like the beetle example we have been thinking about, that all species will disappear. It will all depend on the environment. Also, it is not as if this newly generated species are in any way better than the older one. It is just that natural selection and genetic drift have together led to the formation of a population that cannot reproduce with the original one. So, for example, it is not true that human beings have evolved from chimpanzees. Rather, both human beings and chimpanzees have a common ancestor for a long time ago. That common ancestor is likely to have been neither human or chimpanzee. Also, the first step of separation from the ancestor is unlikely to have resulted in the modern chimpanzees and human beings. Instead, the two resultant species have probably evolved in their own separate ways to give rise to the current form. अब यहाँ पर बताया गया है कि नई species बनती है। जब नई species बनती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी species खत्म होगी तभी नहीं बनेगी। That is not the case. कि पुरानी खत्म होगी तभी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल हम लें तो बीटल्स वाला एग्जाम्पल याद है, लाल बीटल्स थे, नीले बीटल्स थे, हरे बीटल्स थे, फिर हमने देखा था नदी के पार चले गए बीटल्स, कुछ बीटल्स इधर थे कुछ उधर थे, ठीक है। अब कई सालों के बाद, कई हजारों सैकड़ों सालों के बाद, अब वो दोनों बीटल्स की प्रजातियां थी, वो अलग हो गई, दोनों बिल्कुल अलग हो गई। अब वो दोनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। वो जो बीटल्स हैं वो वहां पर रिप्रोडक्शन करेंगे और इधर वाले बीटल्स हैं वो इधर रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन अगर कभी एक आधा बीटल इधर उधर शिफ्ट हो गया तो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हो गए, बिल्कुल ही अलग हो गए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक पैदा हुआ तो दूसरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। तो जैसे कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो हैं, हम लोग चिंपैंजी से इवॉल्व हुए। चिंपैंजी जो है, आपने देखा होगा एक मूवी भी बनी है द प्लैनेट ऑफ द एप्स, इंग्लिश मूवी है हॉलीवुड की, उसके 3-4 पार्ट बन चुके हैं द प्लैनेट ऑफ द एप्स। उसमें एक मंकी को दिखाया गया चिंपैंजी को, यानी कि वैसे भी एक बात देखी गई है कि चिंपैंजी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, यानी कि ह्यूमंस की तरह उनका ब्रेन होता है। एक टीम एक्सपेरिमेंट देखा था हम लोगों ने कि उस चिंपैंजी को ABCD और इस तरह की चीज़ें दिखाई गई तो वो सब पहचान जाता, उसको बोला जाता था ये, तो यानी कि वो हमसे ज़्यादा तो वो तेज हो गया। अभी हमारे बच्चों को ABC नहीं आती बहुत सारों को, तो वो जल्दी सीख गया, ठीक है। तो यानी कि हम वैसे देखा जाए तो हम काफी काफी क्लोजली रिलेटेड हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो हैं, हम लोग चिंपैंजीज से ही इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे ह्यूमन बींग्स के और चिंपैंजीज के कॉमन एंसेस्टर्स हैं, यानी कि हम जिससे बने हैं और चिंपैंजीज जिससे बने हैं,
हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज सेम है। अब जो हम दोनों बने हैं ह्यूमंस और चिंपैंसीज, एंसेस्टर हमारा कॉमन है ऐसा कहा जाता है, तो वो ना ही वो जो हमारा एंसेस्टर ना ही वो चिंपैंजी है ना ही वो ह्यूमन है, इट इज जस्ट अ स्टडी। ऐसा माना जाता है कि एंसेस्टर जो थे हमारे उससे ही हमारे मॉडर्न चिंपैंसीज बने हैं और हम लोग बने। तो वो स्पीशीज कौन सी थी, क्या था जिससे हम दोनों बने? तो कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई जो एक स्पीशीज नहीं बनती है तो पुरानी खत्म हो जाती, ऐसा नहीं है। एवोल्यूशन इसको नहीं बोलती, पुरानी खत्म हो जाती, खत्म होने का चांस देखो। अब वो हाथी आ गया था बीच में, वो बीटल्स के ऊपर, तो हाथी आ गया, अगर हाथी सबके ऊपर ही पैर रख देता तो शायद वो पॉपुलेशन खत्म भी हो जाती, तो एक्सीडेंटल वे में ऐसा भी हो सकता था। लेकिन हाथी ने सिर्फ ग्रीन वालों पे रख दिया होता तो रेड वाले बचते, सिर्फ रेड वालों पे रखा होता तो ब्लू वाले बचते, तो यानी कि जो बच जाता एक्सीडेंटली वो बच जाता। लेकिन एवोल्यूशन डजंट मीन कि भी एक खत्म होगा और दूसरा बन जाएगा। इनफैक्ट देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड द शेपिंग ऑफ द डाइवर्सिटी बाय एनवायरमेंटल सिलेक्शन। द ओनली प्रोग्रेसिव ट्रेंड इन एवोल्यूशन सीम्स टू बी दैट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइंस हैव एमर्ज्ड ओवर टाइम। However, again, it is not as if the older designs are inefficient. So many of the older and simpler designs still survive. In fact, one of the simplest forms, life forms, bacteria, inhabits the most inhospitable habitats like hot springs, deep sea, thermal vents, and the ice in Antarctica. In other words, human beings are not the pinnacle of evolution, but simply yet another species is the teeming spectrum of evolving life. Up. प्रोग्रेस की बात करें कि हम एवोल्यूशन को प्रोग्रेस बोले तो ये ठीक नहीं होगा। अगर हम बोले ना कि भाई हम चिंपैंजी से अपने आप को कंपेयर करें तो हम तो बोले ना हमने प्रोग्रेस कर ली, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। क्या रीजन इज व्हाट, एग्जांपल के तौर पे कि एवोल्यूशन से कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स बने, कॉम्प्लेक्स यानी कि और उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है बॉडी स्ट्रक्चर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने जो है वो ठीक नहीं है, उनका जो बॉडी डिजाइन था जो वो इनएफिशिएंट हो गए, यानी कि वो कारगर नहीं था इसलिए ऐसे हो गए, यानी कि वो सरवाइव करने लायक नहीं थे या उनको दिक्कत पड़ रही थी इसलिए एवोल्यूशन के द्वारा हम बन गए, ऐसा नहीं। एग्जांपल देख लो, हम लोग शुरू हुए बैक्टीरिया जो कि सिंगल सेल्ड रहता है, बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड है। लेकिन बैक्टीरिया आज अगर आप देखो तो बैक्टीरिया आपको अंटार्कटिका की आइस कैप्स के अंदर मिलेगा, जो बर्फ बर्फ के वहां पर पहाड़ जो बने हुए हैं वहां पे आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। बैक्टीरिया आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर मिलेगा, गर्म पानी जो निकलता है ना जमीन से, स्प्रिंग बोलते हैं जिसको, गर्म पानी के फुहारे होते हैं जमीन से छूटते, वहां पर भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। सी के अंदर भी वो मिलेंगे, सी के अंदर भी आपको डीप सी वेंट, समंदर के अंदर जो डीप ओपनिंग्स होती है ना, वेंट बोलते हैं मतलब ओपनिंग बोल सकते हो, वहां पे भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। तो बैक्टीरिया वहां रह सकता है जहां हम लोग नहीं रह सकते। तो अगर हम ऐसा बोलें कि भाई हम लोग एवोल्यूशन के टॉप लेवल पे हैं तो ये ठीक नहीं होगा। हम लोग एक कड़ी है, आने वाले टाइम में और एवोल्यूशन होगा और आगे भी जा सकते हैं, हम पीछे रह जाएंगे। तो अगर इसको बोले कि दिस इज प्रोग्रेस तो दैट इज टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एवोल्यूशन। द सेम टूल फॉर ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक्सकवेटिंग, टाइम डेटिंग एंड स्टडिंग फॉसिल्स एज वेल एज डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस हैव बीन यूज्ड फॉर स्टडिंग ह्यूमन एवोल्यूशन। अब जिस तरह हमने एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि कौन सी स्पीशीज कब की है ऐसे टाइम वगैरह, उसको सेम को ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में जानने के लिए हमने सबका यूज किया। पहला एक्सकवेशन, जैसे जमीन की खुदाई करना, फिर टाइम डेटिंग, कार्बन डेटिंग वगैरह जो बोला मैंने कि जिससे समय का पता लगाना, फिर स्टडिंग फोसिल्स, फोसिल्स को स्टडी करना कि कौन सा फोसिल कब का हो सकता है, और फिर डीएनए सीक्वेंसेस कि डीएनए में जो बदलाव आए हैं उस चीज़ों को स्टडी करके हम बता सकते हैं हमारे एवोल्यूशन के बारे में। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर्स अक्रॉस द प्लैनेट, सो मच so that for a long time people used to talk about human races, skin color used to be the commonest way of identifying these so-called races.
अब पुराने समय में यानी कि हमारे प्लेनेट पे तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। काफी समय तक हम लोग इंसानों को उनके रंग के आधार पे, उनके जो स्किन का कलर होता है उसके आधार पे उनको बाइफरकेट करते थे, यानी उनको सेपरेट करते थे, ये काले हैं और ये गोरे। सम वर कॉल्ड येलो, कुछ येलो स्किन वाले होते थे। सम वर ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन, इनके रंग ही होता था हमारा। तो हमने क्या किया, प्राणी देखी है ना इंसान, लेकिन इनको बांटा कैसे, चार आधार पे। येलो कॉम्प्लेक्शन, येलो स्किन हो गए, फिर व्हाइट पीपल, ब्राउन पीपल और ब्लैक पीपल। अब मेजर क्वेश्चन डिबेटेड फॉर लॉन्ग टाइम वॉज, हैव दीज अपेरेंट ग्रुप्स इवॉल्व डिफरेंटली, क्या ये येलो व्हाइट ब्लैक ब्राउन ये सब अलग अलग एवोल्यूशन से हुए, क्या ये अलग अलग प्रजाति के लोग हैं। Over recent years, the evidence has become very clear. The answer is that there is no biological basis to the notion of human race. All humans are a single species. सारे ह्यूमन सिंगल स्पीशीज। अब यहाँ पे आपके तुम्हारे पिछले जो चैप्टर वन में जो चीज़ें पढ़ी उस पर थोड़ा सा उसका उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा प्रॉपरली, क्योंकि हम बहुत सारे जानवरों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन ह्यूमन्स के बारे में तुमको पता है ना। तो ह्यूमन्स की कितनी क्वालिटी बताई गई यहाँ पर, कितने रंग के आधार पर, रंग उनका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, रंग को मान सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके आधार पर उनको हमने चार पार्ट में बांट लिया, ब्राउन ब्लैक व्हाइट और येलो। तो इसका मतलब चारों अलग अलग एंसेस्टर के हैं, लेकिन अब एक चीज क्लियर हो गई है कि ये सब एक ही स्पीशीज के हैं। नॉट ओनली दैट, रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी हैड लिव्ड फॉर द पास्ट फ्यू थाउजेंड इयर्स, वी ऑल कम फ्रॉम अफ्रीका। द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज होमो सेपियंस कैन बी ट्रेस्ड देयर। आवर जेनेटिक फुटप्रिंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आवर अफ्रीकन रूट्स। अ कपल ऑफ हंड्रेड थाउजेंड इयर्स अगो some of our ancestors left Africa while others stayed on. While the residents spread across Africa, the migrants slowly spread across the planet. From Africa to West Asia, then to Central Asia, Eurasia, South Asia, East Asia. They traveled down the islands of Indonesia and the Philippines to Australia. And they crossed the Bering Land Bridge to the America. They did not go in a single line, so they were not traveling for the sake of traveling. Obviously, they went forwards and backwards with groups, sometimes separating from each other, sometimes coming back to mix with each other, even moving in and out of Africa. Like all the other species on the planet, they had come into being as an accident of evolution and were trying to live their life the best they could. तो यहाँ पर बताया गया कि हमारे जो पूर्वज हैं, हम सब लोग जो है ना ह्यूमन प्रजाति, हमारी पूरी पूरी स्पीशीज ह्यूमन स्पीशीज, ये सब अफ्रीका से आए। कहाँ से आए हम लोग सब, अफ्रीका से। साइंटिफिक नेम ह्यूमंस का है होमो सेपियंस। इंसानों को साइंटिफिक लैंग्वेज में होमो सेपियंस कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो होमो सेपियंस कहा जाता है। तो होमो सेपियंस जो हैं, जब हमने इनके अर्लीस्ट मेंबर्स यानी कि इनके ट्रेसेस को ट्रेस करने की कोशिश की भी, ये कहां से आए हैं, इनके बारे में स्टडी करने की कोशिश की, तो हमको पता लगा कि हमारे जो भी पूर्वज थे, हम सब लोग आए कहां से हैं, अफ्रीका से। अफ्रीका से शुरू हुए। अफ्रीका के अंदर जो लोग रहते थे, वो कुछ लोग वहीं रहे और कुछ लोग वहां से निकल लिए। अब वो जो निकले, कोई सेंट्रल एशिया में पहुंच गया, कोई यूरेशिया चला गया, कोई इंडोनेशिया, कोई ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह करते करते अमेरिका और पूरे दुनिया में वो फैल गए लोग। अब वो फैल किस लिए गए, वो घूमने गए थे फॉर बेटर लाइफ। उनको एक अच्छा जीवन चाहिए था भाई, वहां पे उनको खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा था। जैसे पुराने समय में तो लोग आपको खाने की तलाश में घूमते रहते थे, पानी और खाना सब जहाँ पे मिले। तो इस तरीके से वो ग्रुप में निकलते निकलते चले जाते, जहां तक जाया जाता। उसी दौरान नए बच्चे भी पैदा होते होंगे उनके, न्यू रिप्रोडक्शन के द्वारा। और जब वो दूसरी जगह जाते तो दूसरे ग्रुप के लोग भी मिलते होंगे, फिर उनके साथ मिक्सअप भी हो जाते होंगे, फिर वहां से वो लोग ग्रुप बन गया उनका, फिर वहां से कुछ और लोग आ गए, वहां पर आके मिक्स हो गए, या ये लोग वहां से छोड़ के आगे निकल लिए। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ मिल मिलके इस तरीके से लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर बस गए। तो आज पृथ्वी के ऊपर जो भी लोगों को हम देखते हैं, वो सब अलग अलग तरह के हैं, और उनके पूर्वज तो एक ही, हम सब अफ्रीका से आए, लेकिन अब अलग अलग जगहों पर आकर हम लोग बस गए। तो ये जो कमिंग एंड गोइंग था, कुछ लोग आ गए, कुछ लोग वापस अफ्रीका चले गए, कुछ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो जहां पर जाकर वो रहे, धीरे धीरे वो वहीं के होकर रह गए। और ये था एक्सीडेंट ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि वो एवोल्यूशन के लिए नहीं गए थे, बट एक्सीडेंटली ऐसा होने लगा। अब अफ्रीकन लोग जो हैं वो
वो अफ्रीका में रह रहे हैं, फिर वही अफ्रीकन जब दूसरे कंट्रीज में आके बसे तो वहाँ पे भी वो रहने लगे, तो पूरे भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर वो सब लोग जाकर अलग अलग जगहों पे बस चुके हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अलग अलग कलर वाले लोग हैं वो सब अलग अलग, वो सब एक ही, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लें हम लोग कि भाई अगर मदर और फादर जो है उनका कलर सांवला है तो बच्चे का कलर भी ऑलमोस्ट सांवला ही होगा, लेकिन मदर और फादर एक सांवला है और एक का रंग थोड़ा गोरा ले लो या किसी भी तरीके, तो बच्चे के अंदर उन दोनों में से एक के जीन्स आने के चांसेस हैं। तो बहुत सारे लोग हम ऐसा देखते भी हैं, ऐसा होता भी है, तो वो डिपेंड करता है हमारे डीएनए के ऊपर, यानी कि क्रोमोसोम जो हमने कल देखा था मेल फीमेल और डीएनए की कॉपी जो है उसके हिसाब से। तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि भाई येलो कॉम्प्लेक्शन के लोग जो हैं, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के जो लोग हैं, व्हाइट कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं या फिर ब्राउन, ये सब अलग अलग है, ऐसा नहीं, वो सब एक ही है। बस वो डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन भी किस तरह के जो हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आगे पास कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, इसका हमारी प्रजाति से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि चार कलर के लोग होते हैं, तो इनका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, लेकिन वो चारों अलग अलग हो गए, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये अलग क्वालिटी का, ये अलग का, ये अलग का, वो सब है तो एक ही। खजूर खाते हो तुम लोग, खजूर जो है वो भी अलग अलग तरह की मिलती है। अभी तो हर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, एप्पल देखो ना, ग्रीन एप्पल आते हैं, ठीक है, येल्लो एप्पल आते हैं जो पके हुए होते हैं बिल्कुल येल्लोइश कलर के होते हैं, रेड एप्पल आते हैं, है तो सब एप्पल ही। मिर्ची होती है, लाल मिर्ची भी आती है, ग्रीन भी आती है, छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, तीखी भी आती है, पतली भी आती है, मोटी भी आती है, हर तरह की होती है, तो है तो वो सब चिली, उसको मिर्ची बोलते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने ये फ्लावर का, जो गोभी का, कैबेज का एग्जाम्पल देखा था, वाइल्ड कैबेज का, वो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे हिसाब से, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर।